कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है। अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं जांच में गहलोत को स्वाइन फ्लू होने की भी पुष्टि की गई है। बता दें कि अशोक गहलोत ने ये जानकारी एक्स पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पिछले कुछ दिनों से बुखार होने के कारण आज डॉक्टर्स की सलाह पर जांच करवाई, जिसमें कोविड और स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इस कारण अगले 7 दिन तक मुलाकात नहीं कर सकूंगा। इस बदलते मौसम में आप सब भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अशोक गहलोत की तबीयत खराब होने के बाद उनके साथी नेता सचिन पायलट ने उनके स्वस्थ होने की कामना करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने अपने ट्वीट में लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ। मैं ईश्वर से आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करता हूं। गौरतलब है कि अशोक गहलोत की सरकार बीते साल दिसंबर में गिर गई थी। इसके बाद राज्य में भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार बनी। अशोक गहलोत एंड कंपनी को चुनावों में बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। सचिन पायलट के साथ उनका विवाद किसी से छुपा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्वयं राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी अशोक गहलोत के काम करने के तरीके से खुश नहीं थे। यही वजह है कि लंबे वक्त तक वो राज्य में चुनाव प्रचार के लिए भी आए नहीं। चुनाव में करारी हार के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पुरानी अदावत एक बार फिर सामने आ गई है। हालांकि ये अदावत आमने सामने से नहीं बल्कि किसी तीसरे नेता के जरिए सामने आई है। गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने दावा किया है कि 2020 में सचिन पायलट ने बगावत का सुर अलापा था, तब राज्य सरकार उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इतना ही नहीं, उनके फोन को भी ट्रैक किया जा रहा था। बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले अब भी वैश्विक स्तर पर बढ़ते देखे जा रहे हैं। भारत में भी ओमिक्रॉन और इसके सब वेरिएंट JN.1 के कारण संक्रमण के मामले पिछले कुछ महीनों में बढ़े हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि भले ही देश में संक्रमण की रफ्तार काफी नियंत्रित है, फिर भी इससे लोगों को खतरा हो सकता है। COVID-19 ऊपरी श्वसन तंत्र का गंभीर संक्रमण है। इसके साथ एक और श्वसन संक्रमण की स्थिति किस प्रकार से समस्या कारक हो सकती है, इस बारे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि COVID-19 और स्वाइन फ्लू का को इन्फेक्शन स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाला हो सकता है। पल्मोनोलॉजी डॉक्टर अरविंद कपूर कहते हैं कि कुछ रोगियों में COVID-19 और फ्लू का संक्रमण एक साथ होने का भी खतरा रहता है। अगर समय पर इस को इन्फेक्शन का इलाज न मिल पाए तो इसके लक्षणों के खतरनाक रूप लेने का भी जोखिम हो सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।